हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा जो जारी किया गया फर्स्ट टर्म क्लास 10 के लिए जो सब्जेक्ट इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसका हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने सेट 1 कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए सेट 2 को देखते हैं, सेट 2 में क्या क्या रहा है। तो स्टूडेंट, पहले पहला क्वेश्चन जो है आपका, उसके लिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के लिए पहले आपके पास यहाँ पर एक पैसेज है। ठीक है, तो पहला काम क्या है हम लोग का कि इस पैसेज को हम लोग रीडिंग करेंगे। ठीक है, और उसको समझेंगे, रीडिंग करेंगे और इसको समझेंगे कि पैसेज में आखिर क्या दिया हुआ है और क्या कहा जा रहा है। पहले हमारा काम यही होगा कि पैसेज को समझना है पढ़ के, और उसके बाद इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 5 तक का उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग पहले पैसेज पढ़ लीजिएगा, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हु गेट्स रिकॉग्निशन, ठीक है, एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो सही आंसर है वो होगा B नंबर, क्या, ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड। ओके, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड। तो वन वर्ड क्या होगा टेक इट इजी एटीट्यूड के लिए, तो उसका सही ऑप्शन है लेज। ओके, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर B जो है वो सही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का क्या एडवांटेज है, तो उसका सही ऑप्शन है A, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन्ड। यस, अगर हम लोग पंक्चुअल रहेंगे तो हमारा लाइफ डिसिप्लिन्ड रहेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ, तो पंक्चुअलिटी इज कंसिडर एज ए सिंबल ऑफ, इसका सही आंसर है नन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई भी जो है इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेनोम्स ऑफ गुडनेस, गुडनेस के लिए एक दूसरा वर्ड हम लोग को बताना है इसमें से, इसका सही जवाब है वर्च्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पहले यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के लिए पहले हम लोग को यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पैसेज 1 की तरह पहले हम लोग रीड कर लेंगे, और रीडिंग करने के बाद, रीडिंग करने के दौरान इसको हम लोग समझ लेंगे क्या कह रहा है पैसेज में, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है द पैसेज इज अबाउट, तो ये पैसेज किसके बारे में है, तो ये पैसेज है हेल्थ एंड पपाया के बारे में। ओके, अगर आप पैसेज को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया। देखिए, पपाया इज़ द हेल्दीएस्ट फूड फ्रूट्स विथ अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डैट इज़ अ लॉन्ग एग्जिटिव। ठीक है, तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो गया हेल्थ एंड पपाया। क्वेश्चन नंबर 7, चूज एन ऑप्शन विथ नॉट ट्रू अबाउट पपाया, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पपाया के बारे में सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है, ठीक है, इट फेवर्स
बर्न, जी हाँ, ये पपाया के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, पपाया कैन बी ईटन एज, तो पपाया को हम लोग कैसे खा सकते हैं, तो पपाया को हम लोग खा सकते हैं यहाँ पर सैलेड बनाकर, पका कर, बॉइल्ड कर, ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, व्हाट इज फाउंड रो पपाया विथ हेल्प टू क्योर इंटेंशनल इरिटेशन, इसका सही आंसर क्या होगा, पैपिन। ओके, इसका सही आंसर होगा पैपिन। क्वेश्चन नंबर टेन का क्या कहना है, व्हाट हैपेंस व्हेन वन ईट राइप पपाया रेगुलरली, अगर आप पका हुआ पपीता रेगुलरली खाते हैं तो क्या होता है, ये क्या करता है, इट करेक्ट्स हैबिटेंट कॉन्स्टिपेशन और इट हील्स ब्लीडिंग पाइल्स, इट हील्स क्रोनिक डायहोरिया, और ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, यानी इसका होगा डी नंबर। ओके, डी नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक लेटर है, एज्यूम योर सेल्फ सुनीता सुरेश, राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, कंप्लीट द फॉर्मल लेटर, ये हम लोग को लेटर कंप्लीट करना है सही ऑप्शन के साथ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 का सही आंसर होगा ए, द हेड मास्टर। ओके, 12 का सही आंसर क्या होगा, आप ऊपर लेटर पढ़ लीजिएगा, 12 का सही आंसर होगा बी, द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पीरियड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है डी नंबर। ओके, डी नंबर जो है सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं, 14 14 का सही आंसर है डी नंबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 15 का सही आंसर है बी नंबर, योर्स ओबीडिएंटली। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कहता है कंप्लीट द लाइंस बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन, 16 से 20 तक में हमको सही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो क्या है, आई डैश, ठीक है, दिस वॉच लास्ट ईयर, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बाउट। ओके, सही ऑप्शन होगा बाउट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, ही डैश फॉर यस्टरडे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ए, ही लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे। नेक्स्ट 18 नंबर के लिए क्या होगा, क्वेश्चन है वाई आर यू डैश नॉइज, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन होगा सी नंबर, वाई आर यू मेकिंग नॉइज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 द गर्ल्स आर डैश चोरस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, सिंगिंग, ठीक है, बहुत सुंदर गा रही है ना। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही आंसर क्या होगा, ही डैश ऑलवेज द ट्रूथ, ट्रूथ सच्चाई। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट 21 नंबर के लिए हम लोग को पैसिव वॉइस लिखना है, ठीक है, सी क्वेश्चन क्या है, सी हेल्प्स मी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाई हर, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 22 के लिए क्या कह रहा है, ठीक है, यू रिंग द बेल, तो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन द बेल बाज रंग बाई यू, द बेल बाज रंग बाई यू, यानी इसका सही ऑप्शन है बी नंबर। ओके,
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बिट बाई चूजिंग सुटेबल मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सही जो मॉडल होगा फर्स्ट में वो होगा मे आई कम इन मैडम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 से 27 के लिए पहले आपको ये पैसेज पढ़ना होगा, ठीक है। ये पैसेज पढ़ लेने के बाद, पढ़ने के साथ साथ समझना होगा, और फिर जो सही ऑप्शन है उसके लिए आपको चुनना होगा जो सही ऑप्शन है इसका। तो क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। हाउस कहाँ पर, हाउस कहाँ सिचुएटेड था। तो 24 का सही आंसर होगा बी नंबर, ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। ओके, ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल, 24 का होगा बी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। 25 क्या कह रहे हैं, 25, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम हाउस। हम लोग हाउस से क्या देख सकते हैं, तो हम लोग हाउस से क्या देख सकते हैं, तो हम लोग हाउस से रिवर देख सकते हैं, द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न देख सकते हैं। तो इन यहाँ पे बोथ होगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 का क्या कहना है, 26 कह रहा है कि व्हाट डज द अर्थ नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आ सोवर, हल्की बारिश की ज़रूरत थी, है ना। तो 26 के बाद हम लोग 27 पे आएंगे। 27 क्या कह रहा है, 27, ठीक है, 27, 27 का क्या कहना है, अवार्ड फॉर हैवी रेन। तो हैवी रेन के लिए सही क्या है, वो है डाउन पोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 32 के लिए देखेंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 से 32, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए। तो फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है वो किसके लिए है, वो सीगल के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 के लिए क्या होगा, 29, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन। तो एन ने कौन सा टॉपिक पे एसे लिखा था, तो वो था ए चैटर बॉक्स। ओके, वो था ए चैटर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 30 का, ठीक है, ये होगा जीएल फ्यूंटिस, ठीक है, सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा पोएम था। 31 का होगा सी नंबर, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो भी था और फायर, आइस आइस एंड फायर। तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस था ना, तो यहाँ पर आइस एंड फायर लिखा है। तो इसका मतलब है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, तो फायर एंड आइस था, यहाँ पे आइस एंड फायर लिखा हुआ है, तो इसका तो नहीं होना चाहिए, यानी सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि बुक में नाम लिखा हुआ है फायर एंड आइस, आइस एंड फायर नहीं था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। तो कौन सुनता है, 32 का सही आंसर है टाइगर, जी हाँ टाइगर। क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे 33 से 35 के लिए, ये स्टेंजा को पढ़ लेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हु कंपोज दिस लाइन। तो ये लाइंस किसने लिखा है, तो ये लाइंस लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, टाइगर इन द जू का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं।
4 में क्या कह रहा है, व्हाट डज स्टॉल्स मीन हियर। तो स्टॉल्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, 34 का होगा डी, वॉल्स मतलब टहलना। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 35, ही इज यूज होम हियर, ही किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, तो ही किसके लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 से 40 के लिए, तो कहता है विच गिवेन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, तो कौन सा कैरेक्टर जो है ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी में नहीं है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर ऑसेबल नहीं है, ठीक है। अब आ गया ये क्वेश्चन 37, व्हाट वाज द काउज ऑफ ट्रिकियल में, ट्रिकी की बीमारी का कारण क्या था, तो ट्रिकी की बीमारी का कारण था, ठीक है, ओवर ईटिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि बोथ ए एंड बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीप इज, अनिल कौन था, तो अनिल था यहाँ पर एक मैगजीन राइटर, ओके। 39 कह रहा है कि हु हैज़ रिटन द स्टोरी द थीप स्टोरी, तो थीप स्टोरी को किसने लिखा है, तो थीप स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, 40 क्या कह रहा है, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, उसका सही जवाब होगा रॉबिन, ठीक है, रॉबिन यानी कि चोरी डकैती। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग ने सेट टू कंप्लीट कर लिया, इसके आगे के वीडियो में हम लोग किसी और सेट के सॉल्यूशन को देखेंगे।